हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल तिवारी और आज आपके सामने बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबे समय से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा, तो मेरा और भी कुछ है काम, तो मैं उसमें लगा हुआ था, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं आपके सामने एक मंझा लेके आया हूँ जो कि मैंने अपना मंझा बनवाया है खुद का कारीगर से, जिसमें कोई नाम कोई लेवल नहीं है फिलहाल। आगे चल के उसको नाम भी मिलेगा, उसको एक पहचान भी मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 12 रील का चरखा है और इस पर कोई भी नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी ऐसी है कि आप देखें, मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ, बट इसका छल्ले ऐसे निकलते चले जा रहे हैं। बहुत ही उमदा क्वालिटी का ये बनाया गया मंझा है। आप देखिए, आप देख सकते हैं, मंझा बहुत ही उमदा क्वालिटी का मंजा है और ये ब्लैक दिख रहा होगा बट ये चॉकलेटी कलर का है, डार्क चॉकलेटी कलर का है। और ये छतों से और मैदान से दोनों से बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला मंजा है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का बनाया गया है। इसकी धार, एक एक धार ये देखिए बिल्कुल बारीक, आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक है, एकदम ऐसा सुता हुआ मंजा है कि हवा में पहुँचने के बाद ये बिल्कुल ब्लेड जैसा काम करेगा। क्योंकि इस समय मंजे तो बहुत तरह के बन रहे हैं, पर मैं आपको बार बार रिव्यू देता रहता हूँ अलग अलग कारीगर के, अलग अलग नामों के। इसमें एक ये चरखा है, ये देखिए, इस पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये 12 का चरखा है। इसी में एक और है, एक ये सुरमई कलर का है, ये 12 का चरखा है। और एक ये ब्लैक कलर का, ये भी 12 का चरखा, ब्लैक कलर देख सकते हैं, देखिए कैसी चमक, कैसी शाइन है इस चरखे में। और अभी तक आपने बहुत से कारीगरों के मंजे मेरे माध्यम से देखे होंगे, जैसे कि वाई केसी, यूनिस इकबाल, आपके तलत, ठीक है, बहुत सारे मंजे आपने यूज़ भी करे होंगे, बट एक बार इस मंजे को भी यूज़ करके देखिए। ये मैंने स्पेशली अपने कारीगर से बनवाया है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मंजा है। अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, पूरे ऐसे करके ये छल्ले, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये देखिए पूरे छल्ले के छल्ले ऐसे ही निकलते चले आ रहे हैं। और होता क्या है कि नाम तो खैर है ही, कारीगरों का नाम है तो उस हिसाब से काम भी है, बट बहुत से कारीगर ऐसे भी हैं जिनके नाम नहीं है बट उनके मंजों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उमदा है, ठीक। और उनके मुकाबले ये बेस्ट क्वालिटी का, उसी क्वालिटी का मंजा 1 2 3 पे बना हुआ, ठीक है। ये बहुत ही कम रेटों में है, आप छत से भी उड़ा सकते हैं, आप मैदानों से भी अच्छे पेज लड़ा सकते हैं, आप बहुत लंबे भी लड़ा सकते हैं, बहुत कैसे भी आप लड़ा सकते हैं, फंसा के, खींच के, जैसे भी आपकी मर्जी हो आप लड़ा दें और फंस के, तो ये बहुत ही उमदा क्वालिटी का मंजा तैयार हुआ है, ठीक है। खींच में तो अपनी दम कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि हम में कितना दम है, हम कितनी तेज खींच मार सकते हैं, या हमारा दांव कैसा पड़ रहा है, या क्या चीज़ पड़ रही है, वो खैच पे डिपेंड करता है। बट फंसने के बाद भी आपका दांव लगता है कि आपकी पतंग कितनी अच्छी चल रही है, क्या आप उसमें कलाकारी दिखा रहे हैं, क्या आप उसमें कर रहे हैं। तो ये फंसने के बाद बहुत ही अच्छा लड़ने वाला मंजा है और ये पूरा 12 रील का मंजा है, ठीक है। आगे चल के अगर आप लोग इस पर डिमांड करते हैं, इसको मंगवाते हैं, तो मतलब कि एक होलसेल रेटों में ही आपको मिलेगा, ठीक है। मार्केट में तो बहुत बहुत महंगे मंजे, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के मंजे हैं, 3200-3500, 3800-4000 से स्टार्ट है, बट ये कम रेटों में है। तो जो भी, जिसको भी चाहिए होगा, अगर वो मेरे को, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ वीडियो के, तो आप उसमें से नंबर निकाल के मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप मंगवा सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुतों ने मेरे से मंझा मंगवाया है, कई कई नामी मंझे मंगवाए हैं और रिजल्ट उनके बहुत अच्छे आए हैं, बट आगे चल के इस वाले मंझे को भी नाम मिलेगी, एक पहचान मिलेगी, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तब उसका नामकरण किया जाता है, ठीक है। आगे चल के उसकी एक पहचान बनती है, वो उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो मेरा कहना यही रहेगा कि इसको भी आप देखिएगा, लाइक करिएगा, और मंझे की क्वालिटी बहुत ही शानदार है, इसमें शाइन देखिएगा, और बहुत ही उमदा क्वालिटी का ये मंझा है, ठीक है। तो बहुत सारे देख रहे हैं आप, क्या चमक आ रही है, डायमंड जैसी कहीं कहीं एकदम क्रिस्टल एकदम निकल के आ रहा है। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मंझा आपको देखने में कैसा लगा, और
मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका प्यार मुझे मिलता रहता है तो मुझे भी नए नए आर्टिकल बनाने में, ब्लॉग बनाने में मज़ा आता है, उत्साह मिलता है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो निगेटिव कमेंट भी कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, हर तरह का इंसान है, हर तरह के कमेंट इंसान करता है, तो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये मंजा आपको देखने में कैसा लगा। अभी तो ये गुमनाम है, बट आगे इसको नाम मिलेगा। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो इसको भी नाम मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से। तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।